हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट के अंदर शील्डिंग और डी शील्डिंग दो टाइप के प्रोटॉन्स आते हैं। मतलब अगर हम किसी ग्राफ की बात करें तो हमको कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं उसका ग्राफ कौन सी साइड पर मिलेगा, वो शील्डेड होंगे या डी शील्डेड होंगे, प्रोटॉन्स किस तरीके से शील्डेड होते हैं और कैसे डी शील्डेड हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल शिफ्ट में आती हैं। अब इसमें हमको देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट पर इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहला क्या है, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन वैन डेर वाल्स डी शील्डिंग, थर्ड वन इज अन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट एंड फोर्थ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने उसे अलग लिखा है। तो पहला इफेक्ट आपका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पहले ही पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, अ प्रोटॉन इज सेट टू बी डी शील्डेड इफ़ इट इज अटैच्ड टू विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एटम एंड द ग्रेटर डी शील्डेड इज कॉज्ड बाय प्रोटॉन। If d shielding is more than a proton and that is a del value will be also more। क्या बोल रहा है आप देखिए, हम लोग सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमारा अगर TMS है तो इस साइड पे जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा होगा शील्डेड का और इस साइड पे जो ग्राफ मिलेगा वो किसका होगा, d shielded का। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर अफेक्टिंग बोलोगे इसका मतलब ऐसे कौन कौन सा इफेक्ट है जो प्रोटॉन्स को शील्डेड और डी शील्डेड बना सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारे ग्रुप से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके उस प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे। ठीक है, कमी करने से क्या होंगे, वो डी शील्डेड हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप और एटम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और वो मेरे इस प्रोटॉन को डी शील्डेड कर रहा है तो वो एक फैक्टर हुआ कि वो इस ये फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट डाल रहा है। तो वही चीज़ है, इफ़ द डी शील्डिंग इज़ मोर देन द डेल वैल्यू विल बी ऑल्सो मोर। जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा मेरा प्रोटॉन डी शील्डेड होगा उतना ज़्यादा ग्राफ मुझे इस साइड मिलेगा। TMS के इस साइड अगर वैल्यू मुझे मिल रही है, इस साइड अगर ग्राफ आ रहा है, हम जान चुके हैं राइट साइड में शील्डेड का ग्राफ मिलता है और लेफ्ट साइड में डी शील्डेड का। तो जितना ज़्यादा मेरा प्रोटॉन डी शील्डेड होगा तो मुझे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोटॉन पे डी शील्डिंग होगी उतना ज़्यादा डेल का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका एग्जांपल हम फिर से लेंगे CH3CH2 और F। F क्या है हमारा, फ्लोरीन दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या किया करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसको ये क्या बना लेगा, डी शील्डेड। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ किया तो ये क्या बना दिया, इसे डी शील्डेड, और ये हमारे पहले से शील्डेड थे तो ये हो गया ए टाइप के प्रोटॉन और ये बी टाइप के प्रोटॉन। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं तो हमें देखें कि ए टाइप के प्रोटॉन का ग्राफ हमको कहाँ मिला, शील्डेड इस तरफ पे, मतलब इसकी डेल वैल्यू क्या है, कम है। और बी टाइप के प्रोटॉन क्योंकि डी शील्डेड थे तो उसका ग्राफ हमको लेफ्ट साइड पर मिला है और इसकी डेल की वैल्यू ज़्यादा है। तो यही इफेक्ट है कि अगर मेरा किसी भी मतलब कंपाउंड में अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, मेरे डेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा प्रोटॉन डी शील्डेड होंगे डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, वैन डेर वाल्स डी शील्डिंग। तो वैन डेर वाल्स डी शील्डिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखा हुआ है, इन अ ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल्स इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्रोटॉन में ऑक्यूपाइंग स्टेरिलिकली हिंट्रेंस पोजिशन क्लियरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्की ग्रुप विल बी टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड क्लाउड सराउंडिंग द प्रोटॉन। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डी शील्डिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोटॉन्स या बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बल्की ग्रुप, सबसे चीज़ हम एक वर्ड इसमें आया हुआ है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस किसी ग्रुप में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शंस को वो होने नहीं देते।
स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है कि वो किसी केमिकल रिएक्शंस को वहाँ पे स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, किसी भी कंपाउंड से अगर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रद्द कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर मेरे प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे तो उस समय वो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। तो यही मतलब है कि वंडर वॉल्स डी शील्डिंग के कारण हमारे कंपाउंड में क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर कोई बल्की ग्रुप छूट जाएगा तो हमारे कंपाउंड में क्या आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस आने के कारण आउटर मोस्ट साइड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आउटर मोस्ट साइड के इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमको पता है कि हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे जुड़ा हुआ है एच। एच कोई बहुत बड़ा बल्की ग्रुप नहीं है, पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इस तरफ एच की जगह हमने जोड़ दिया सी एस थ्री। सी एस थ्री क्या है, एक बड़ा बल्की ग्रुप। तो कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस कब आता है, जब कोई बल्की ग्रुप जुड़ा होता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये इस प्रोटॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो उस कंडीशन पे ये प्रोटॉन्स जो है वो डी शील्डेड हो गए। अब अगर वो डी शील्डेड हो गए तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो उस लिए हमारे डी शील्डेड का ग्राफ अब लेफ्ट साइड पे मिलने लगेगा, जिसके कारण हमको डेल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल मतलब यही था कि स्टेरिक हिंड्रेंस आने के कारण इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट साइड के खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन पे हमको हमारा ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पे मिलने लगेगा, प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाएंगे और डेल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्पेस इफेक्ट। तो ये सबसे पहली चीज़, अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट हमको किसमें देखने मिलेगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वही होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात हुई वहाँ पे पाई बॉन्ड की बात होगी, तो क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है इसलिए इसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड आने के कारण क्या होगा, वो प्रोटॉन को क्या कर देगा, डी शील्डिंग। ठीक है, तो कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डी शील्डिंग बढ़ती है, जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड डी शील्डिंग बढ़ेगी। और हम एक चीज़ जानते हैं कि डी शील्डिंग अगर बढ़ती जाएगी, ठीक है, डी शील्डिंग बढ़ेगी तो डेल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो स्पेस इफेक्ट का मतलब सिंपली यही है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, जिस पाई बॉन्डेड के कारण क्या होती है, डी शील्डिंग इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो अपोजिट साइज में होगा, तो इसलिए क्या होता है, डी शील्डिंग इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ प्रोटॉन बिलोंगिंग टू द अटैच्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विल हैव अ स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and it is being shielded and field of in such proton will be more and hence resonance will be occur in downfield। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरिन के बीच ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, इंटरमोलिकुल बॉन्डिंग। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में फ्लोरिन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। क्योंकि फ्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने के कारण ये क्या करेगा, इसको, इस प्रोटॉन को डी शील्डेड बना देगा। डी शील्डेड के कारण हमको डेल की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, हमारा ग्राफ का होगा लेफ्ट साइड में बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम इंटरमोलिकुलर में पहला, उसके बाद वाला आ जाता है कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अपने सैंपल का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो डी शील्डिंग भी बढ़ेगी, है ना। अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है वो भी बढ़ेगा, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन देन डी शील्डिंग विल बी इंक्रीज। देन सेकेंड वन इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कभी भी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा जो सैंपल है हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए। तो कभी भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन डी शील्डिंग घट जाएगी।
क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हो सकता है कि ये वाले बॉन्ड टूट जाए और ये जो फ्लोरीन है ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो अपने आप ये ग्रुप इससे अटैच नहीं रहेगा, अटैच नहीं है तो डी शील्डिंग भी कम हो जाएगी, डी शील्डिंग कम होगी तो वो प्रोटॉन शील्डेड रहेंगे और हमको ग्राफ राइट साइड पर ही मिलेगा। तो याद रखना, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से डी शील्डिंग बनती है एंड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डी शील्डिंग घटती है। नेक्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हम H2O में बोल सकते हैं कि जो हम H और O के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। तो कभी भी हम ऑक्सीजन क्या है हमारा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ये इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इस प्रोटॉन को क्या बना देगा, डी शील्डेड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये डी शील्डेड बन जाएंगे तो हमको ग्राफ भी जिस साइड पे मिलनी चाहिए उस साइड नहीं मिलके नेक्स्ट साइड हमको उसकी ग्राफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर वो शील्डेड होते तो उसकी ग्राफ हमको राइट साइड मिलती और क्योंकि वो डी शील्डेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन तो वो उसकी ग्राफ हमको कहाँ मिलेगी, लेफ्ट साइड पे, और डेल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। कभी भी याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, अगर हम ये ग्राफ की बात कर रहे हैं तो अगर ये शील्डेड प्रोटॉन है, शील्डेड प्रोटॉन का ग्राफ हमको राइट साइड पे मिलता है एंड डी शील्डेड का लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जिसका हमको ग्राफ मिलेगा उसके डेल की वैल्यू क्या है, कम है, और जो लेफ्ट साइड पे मिलेगा उसके डेल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। डेल की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब प्रोटॉन डी शील्डेड होते हैं, और डेल की वैल्यू डिक्रीज कब होती है, जब वो प्रोटॉन डी शील्डेड होते हैं, शील्डेड होते हैं, ठीक है। शील्डेड में डेल की वैल्यू कम एंड डी शील्डेड में डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है सॉल्वेंट इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।